नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम सूचना सहायक वैकेंसी 2023 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी में आने वाले सिलेबस को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने इस वैकेंसी के अलग-अलग कई टॉपिक्स को कवर किया था, जिनमें इस वैकेंसी की टोटल पोस्ट, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने की प्रोसेस, इसके साथ में इसकी एज लिमिटेशंस, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में मेरे से एक गलती हुई थी, जो इस वीडियो में मैं सुधार रहा हूँ। एज लिमिटेशन के बारे में जो मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2023 को आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए, यानी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरीके से 1 जनवरी 2024 को अधिकतम आयु 39 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जो अभ्यर्थी है उसकी आयु 40 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने हमें ये 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी है। उसका कारण यह है कि पिछले 3 वर्षों से इस पोस्ट की कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस वजह से सभी जो भी आवेदक अप्लाई करना चाहते हैं, उन सबको ऊपरी आयु में 3 वर्ष की और छूट दी गई है। पिछले वीडियो में हुई गलती के लिए मैं फिर से एक बार माफी चाहता हूँ। इस वैकेंसी के अंदर जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो एग्जाम होंगे। पहला रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के अंदर टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और टाइम हमको दिया जाएगा 3 घंटे का। इसमें 150 MCQs आने की संभावना है। इन 150 MCQs में से लगभग 50 से 60 MCQs जो हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, GK, रीजनिंग इत्यादि के होंगे, और लगभग 90 से 100 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट के होंगे। जब हम इस रिटन एग्जाम को कम से कम 40 मार्क्स के आधार पे पास कर लेंगे, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 40, और जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं, SC/ST अभ्यर्थी जो भी हैं, उनके लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, 36। तो जिन व्यक्तियों ने इस पेपर को क्लियर कर लिया है, यानी कि 40 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं, या SC/ST कैंडिडेट्स जिन्होंने 36 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए हैं, वे टाइपिंग टेस्ट में बैठने के योग्य हो जाएंगे। और टाइपिंग टेस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके की टाइपिंग करवाई जाएगी, जिसमें कि 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट के अलग से कोई मार्क्स नहीं होंगे, लेकिन टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम में जो प्राप्तांक है उनके आधार पर ही बनेगी, लेकिन टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना जरूरी है। दोस्तों, यहां पर यह चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम में आपके द्वारा प्राप्त किया हुआ एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसका कारण यह है कि जो भी आपके मार्क्स आएंगे, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद में भी पूरी उम्र, यानी कि जब तक आपकी नौकरी रहेगी, तब तक आपकी जो सीनियोरिटी है, सीनियोरिटी भी इन्हीं मार्क्स के आधार पर बनेगी। यानी कि यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स ज्यादा हैं, तो आप सीनियोरिटी में ऊपर रहेंगे, और आपके मार्क्स यदि कम हैं तो सीनियोरिटी में आप पीछे रहेंगे।
तो आपका जो प्रमोशंस होंगे आगे, इस मान लीजिए आपको इस पोस्ट पे नियुक्ति मिल जाती है और आपके जो प्रमोशंस होंगे वो भी आपके इन्हीं मार्क्स के आधार पर होंगे। तो अपने को पूरे प्रयास करने हैं अधिक से अधिक मार्क्स लाने की। हमको ये नहीं सोचना है कि हम सिर्फ प्राप्तांक लेके या कम से कम जो न्यूनतम प्राप्तांक है वो लेके हम पास हो जाएंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ के अलावा भी आपकी यदि जॉब लग भी जाती है उसके बाद में भी यही मार्क्स आपकी सीनियोरिटी को डिसाइड करेंगे। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से हमको मेहनत करके पढ़ाई करनी है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये दूसरे किसी भी YouTube चैनल पर किसी भी वीडियो में नहीं बताई जाएगी कि इन्हीं मार्क्स के बेस पर पूरी सर्विस में आपकी सीनियोरिटी इसी मार्क्स के बेस पर नापी जाएगी, इसी मार्क्स के बेस पर आपके प्रमोशंस होंगे। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। इसमें जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें कि जीके वगैरह भी आएगी, तो उनके बारे में और क्या क्या टॉपिक्स इस सिलेबस में लिए गए हैं वो हम देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अलावा इस एग्जाम में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो कि राजस्थान और इंडिया से रिलेटेड हो सकती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने आपको बताया टोटल 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, उसमें से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इस पोर्शन के आएंगे। तो ये भी एक अच्छी वेटेज रखते हैं, तो हमको इसके लिए पूरी तैयारी करनी है। जो इसका इसी 150 क्वेश्चंस में से लगभग 90 से 100 क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट के रहेंगे। अब कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं वो सब इसमें बताया गया है कि ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, पॉइंटिंग डिवाइसेज और स्कैनर। इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और एमएस वर्ड जिसमें कि एमएस ऑफिस जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये चारों सॉफ्टवेयर हमको अच्छे से तैयार करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिस्टम, नंबर सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग और कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप। ये अलग अलग टाइप की फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, ये सारे टॉपिक इस सिलेबस में आएंगे। इसके अलावा इंटरनेट सब्जेक्ट के और कई टॉपिक्स इसमें लिए गए हैं जैसे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल्स, लैन वैन मैन और सर्विस, ये सर्च इंजन्स, सर्च सर्विस, ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर्स, वेबसाइट पब्लिशिंग या वेबसाइट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। इसी तरीके से HTML, इंटरेक्टिव टूल्स, मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के टॉपिक को भी कवर किया गया है, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, इन सब के बारे में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, देखिए प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स फ्रॉम वायरस एंड मिलीशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड यूटिलिटी, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डाटा, एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और IDE यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये सभी टॉपिक जो हैं सिलेबस में पूछे जाएंगे। आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल पे टाइम टाइम पर वीडियोस आते रहेंगे। आप उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, पढ़िए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए।
थैंक यू सो मच।